तो भैया बहन, आज हम मैथ्स में कम और ज़्यादा की जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर अनार बने हुए हैं, एक दो और तीन, ये तीन हैं। और यहाँ कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः और सात। तो ज़्यादा कौन से हैं इसमें से, दोनों में से? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये है ज़्यादा और ये क्या है? कम। तो अपन इनकी पहचान कैसे करेंगे? कम और ज़्यादा। ऐसे ही ड्रम बने हुए हैं, तो ये कितने ड्रम हैं? एक दो तीन, और इधर कितने ड्रम हैं? एक दो तीन चार और पाँच। तो ज़्यादा किधर है? ये वाले। और कम कहाँ है? ये वाले। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये जो है ये कम है और ये वाले जो है ड्रम ये ज़्यादा है। ऐसे ही अगला है नेक्स्ट, अपना पेन की नीब बनी हुई है, ये इधर दो नीब है, एक और दो, और इधर कितनी है? एक दो तीन चार, मतलब ये कम है और ये ज़्यादा है। तो कम और ज़्यादा के बारे में अपने अच्छे से समझ में आ गया होगा, और थोड़ा समझ लेते हैं अपन इसको। कम और ज़्यादा, यहाँ पर आपके सामने बॉल बनी हुई है, तो ये बॉल कितनी है? एक, और इधर जो बॉल बनी हुई है एक दो तीन, मतलब ये एक है, ये अकेली है इसलिए ये कम है, और ये तीनों साथ में है तो इसलिए ये ज़्यादा है। तो ये कम और ये ज़्यादा, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? ऐसे ही ये फिश यानी मछली, मछली बनी हुई है, ये भी यहाँ पर एक दो तीन, और इधर है एक दो तीन चार पाँच छः और सात, यहाँ पर सात मछलियाँ बनी हुई है। तो अधिक मछली किधर है? ये वाली, और कम किधर है? ये इधर वाली। अच्छे से समझ में आया आपको? थैंक्स।